साहब गुजर मरा गया है, अला सामान्य सरदार विक्रम जी हुए हैं, भला सरदार विक्रम की, सरदार विक्रम की। सरदार जी आज से नए नियम और कानून बनेंगे, अला से आप जो कहेंगे वही होगा। फुलन तुम चल करके अपने कपड़े चेंज करो और हम लोग सलाह मिशवरा करके आपस में आते हैं। देखे ये सलाह बाबू को जितना यश बाज हो गया था कि पूरा माल सलाह खा के हलप कर दिया। हाँ सरदार जी, इतना सच है, दुफे में कुछ भी नहीं बचा है। हाँ सरदार जी, क्यों अब क्या होना चाहिए सरदार जी? अब होना ये चाहिए कि हम लोग चलते हैं रामगढ़ की तरफ और डालते हैं धाका, उस साले शेर को लू लेते हैं। चलिए सरदार जी लू लेते हैं। अरे ठीक गई बंदूक मेरी, अरे पैसा कमाने के लिए, अरे तैयार हो जाओ, अरे डाका डालने के लिए। इधर कौन? वही जमींदार बैठे हैं और देख क्या होता कहने पे गौर करें। अरे नया फैसलबा बदली है चालबा, मोरा देशवा यही मकान घरबा, ये फैशन मा बदली है चालबा, नया फैशन मा, नया फैशन मा बदली है चालबा, मोरा देशवा यही मकान घरबा। ये जूता बूटेदार रखाए पहनते, जूता बूटेदार रखाए चुल्फे लंबे बाल रखाए, तो डाले गले मारू मालबा, मोरा देशवा यही मकान घरबा, तो डाले गले मारू मालबा, मोरा देशवा यही मकान घरबा। चोरी छिनैती माया के और बात करे माँ पाछे, अरे पुलिस पावे तो खींच लिए खालबा, मोरा देशवा यही है। तो मकान है सुना रहे हैं, चोरी छिनारम आगे बात करम पीछे, मतलब फैशन वाली बात बता रहे हैं। बोल दे पुलिस वाला तुम्हारे पीछे सर, बना बना ही आवा, बोलो बोलो कुर्सी सफा कर। अरे भैया सुबह सुबह तने का पकड़ लिया है, नहीं का कहा मट्टी हो का है के आओ मरी हो साहब। तीन दयाल मल्ला, तीन तलाक नहीं, हाँ हमारो दिशा भरम कह दियो, तीन दयाल दयाल तीन दयाल बिरद संभारी हरौनाथ मम ठाकुर साहब कहिए। हमारी बिटिया फूलन नहीं आई क्या? आपकी बेटी फूलन आपके घर नहीं पहुंची? दिनू काका मैं तो आपकी बेटी फूलन को छुड़ाकर तुम्हारे घर भेज दिया था, अभी तक पहुंची नहीं ठाकुर साहब। अरे तो मैं क्या करूं, नहीं पहुंची, पहुंचाने को ठेका ले रखा है। आपकी बेटी फूलन से कहा चलो बेटी मैं तुम्हारे घर छोड़ दूं, तो आपकी बेटी फूलन ने कहा ठाकुर साहब तकलीफ करने की कोई बात नहीं, यहां से थोड़ी दूर हमारा गांव है और मैं चली जाऊंगी। ठाकुर साहब पहुंचे, मेरी बात सुनो ठाकुर साहब,
ठाकुर साहब मेरी है और बेटी कहा ठाकुर साहब। बेटी कहा मेरी फूलन से मुझको मिला दीजिए, ठाकुर साहब ने चखवा और पढ़ाओ मुझे मेरी बेटी से मुझको। बंद बकवास कर और अबे बेहया, बंद बकवास कर अबे बेहया, गोली झूठा बजाने से क्या फायदा, जिसका खाने को कोई ठिकाना नहीं, चोरी इतना दिखाने से क्या। दिनवा अपनी बेटी लेगा साले, क्या कल बोल रहा था कि सेमुआ मशीन बनवाने गया, दो सामान लादने वाले हैं, तुम हाथ लगा लो। बक्सा साले सेमुआ का लाद नहीं पाया और हमसे लदवाया था, लोद पीता हूँ लोद, लेकिन हमको तो तह नहीं पाता है, आतल थाले तुझको तहते हैं लड़की लगा साले। सदरी साला पहुन के आया था, कौन मांग के आया था लड़की लेगा।
सर बुढ़ौना सर बिटिया ले है बिटिया ले है की ऐसी तैसी मारे पास खेती ना अब का बात है खत्म ना मारो ना जमीन अब जमीन क्या हुआ दोस्त काहे इतना परेशान हो दोस्त काहे इतना परेशान हो आखिर क्या हुआ साला दिन में लाया था और साला दिन नहीं लावा था कहता था साला ये हमारी बेटिया फूलन कर नहीं पहुंची अरे तो क्या मेरी हवेली में है अब वही समझो है? एक तो साले सूदो की मदद करो और ये साले खोपड़ी भीतर से बैठना चाहते हैं अच्छा सा साला एक सूदी है बीच में अरे नहीं हमें तो पूरा काम सारे हम लोग बनावत हो हां ना तो ठीक है यार अगर तू नहीं होगा तो मेरा काम कैसे चलेगा दोस्त आप बैठिए मैं आज एक ताजी खबर लेके आया देखो जब ना देखो लाला कोई ना कोई ताजी खबर लेकर के आता है खबर सुन रही वही बीत के खबर बुरी खबर देखो वही बैठो बुरी कैसे खबर रहेगी दोस्त सुनिए मेरी बात और फूलन तो बन गई डाकू बन चुकी है लाला क्या बुद्दिल जैसी बात करता है रे मैं सच कहता हूँ दोस्त जिस लड़की को हम अपने बिस्तर पे लिटा करके छोड़ दिया और तू उस लड़की से डरता है लाला अगर फूलन डाकू बन गई तो हम भी किसी डाकू से कम नहीं है क्यों नहीं दोस्त हमारे मालिक किसी झाटू से कम नहीं है डाकू से कम चल उठा बंदूक चलते हैं चम्बल की तरफ कहीं भी फूलन और विक्रम दोनों नजर आए तो वहीं पे गोली मार दो चलिए दोस्त फिर देर किस बात की आओ वही सरदार विक्रम जी आते हैं फिर फूलन आती है आप लोग कहानी पर गौर करें अधक सिंह खड़क सिंह कहाँ से आ रहा है मैं काली पहाड़ी पर से आ रहा हूँ सरदार जी बदशिवा चला फूलन फूलन क्या इंतजार करते हैं इंतजार करते हैं आने का उसका हम लोग दादाजी बताइए हमारे क्या हुक्म है हुक्म यह है कि चलो चलते हैं बियाबान जंगल आप तुम्हें कुछ निशानेबाजी सिखाते हैं और जमे की सर करते हैं कोई बात नहीं शादी बहुत दिन हो गए सर किए हुए आज चलते वही निशानेबाजी और वही शेरबाजी और दिल का रे धक धक बोले न तब तक आहे भरे अंग
नारायण।